1618 सैंपल लिए गए थे जिसमें 1591 नेगेटिव पाए गए, 24 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे और उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की मृत्यु हो गई थी, बाकी 3 मरीज़ रिकवर किए, स्वस्थ हो के और डिस्चार्ज किए जा चुके हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से, और वर्तमान में 20 मरीज़ विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अभी भर्ती हैं और चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 218 नए मरीज़ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए हैं, कुल 946 अभी हैं। आईसीयू में एक भी अभी वर्तमान में मरीज़ नहीं है, कुल 3 मरीज़ आईसीयू में भर्ती किए गए थे। कुल 728 सस्पेक्टेड संभावित कोरोना के व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड को पार करने वाले व्यक्तियों की संख्या 335 है, और विभिन्न तरीके से जो आईसी मटेरियल की कैंपेनिंग हो रही है ताकि विभिन्न प्रकार के जो भ्रांतियां हैं आम जनता में कोरोना के प्रति, उसको दूर करने के लिए लगभग 900 जगह पे आईसी मटेरियल डिस्प्लेड है। आपके माध्यम से भी, विभिन्न अन्य माध्यम ऑडियो चैनल्स के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारा कॉल सेंटर नंबर 104 कार्यरत है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित 21,633 कॉल सीधे सीधे जो कोविड-19 से संबंधित है एंटरटेन की गई हैं। अदरवाइज 338,000 कॉल्स आई हैं 104 कॉल सेंटर पे, जिसमें से 21,000 कुल कोविड-19 के संबंध में था। वर्तमान में हमारे यहाँ जो जांच की सुविधा है, 2 जगह फुल्ली फंक्शनल सुविधा चल रही है, RMRI में और IGIMS में। PMCH में ट्रायल रन आज स्टार्ट किया गया है, NIV पुणे से अनुमति मिलते ही फिर वहां पे एक्चुअल सैंपल की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। दरभंगा में आज से सैंपल की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और आज के बाद से वो सुचारू रूप से संचालित रहेगा। जिला स्तर पर होस्टल और होटल्स और लॉजेस को मिला के कुल 278 जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कुल 7,206 कमरे की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।